हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज है संडे, तो आज काफ़ी कुछ मैंने सोच रखा है कि करना है, जैसे ग्रॉसरी खरीदनी है, वेजिटेबल्स खरीदनी है और भी बहुत कुछ है। तो देखते हैं कहाँ तक क्या हो पाता है, क्योंकि ये चीज़ें तो बहुत ज़रूरी है खरीदनी है। और ये ऐसी चीज़ें जो मैं अकेले नहीं कर सकती, मुझे इनकी हेल्प लेनी पड़ेगी। और इनको, इन चीज़ों के लिए रेडी करना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि मुझे ड्राइविंग नहीं आती तो मैं अकेले नहीं जा सकती। सोच रही हूँ सीख लूँ ड्राइविंग, क्योंकि काम ही आती है ड्राइविंग। तो देखती हूँ, आगे घर पे जाऊँगी तो वहाँ सीखूंगी, क्योंकि यहाँ पे मुझे नहीं लगता कोई सिखाता है। और अभी पहले चलते हैं किचन में, नाश्ता बनाते हैं। नाश्ते में आज बनेगा क्या, मैं भूल गई। तो मैं मैक्रोनी बना रही थी, और देखो तैयारी में करके गई थी, मैंने सोचा अब व्लॉग स्टार्ट करते हैं, और मैं यही भूल गई कि मैं क्या बना रही हूँ। पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा होता है। तो अभी मैंने सब कुछ यहाँ पे तैयार कर लिया है, वेजिटेबल्स कट कर लिए है, ऑयल रख दिया है, मैक्रोनी उबाल दी है, और चाय भी मैंने चढ़ा दी है। तो अभी फटाफट से मैक्रोनी बना लेते हैं, खाते हैं, उसके बाद निकलते हैं फिर। तो अभी मैं तैयार हो गई हूँ, और जब से वाटर पार्क से आई इतनी ज़्यादा टैनिंग हो गई है, धीरे धीरे ठीक होगी। ये तो चलता रहेगा, अभी फिलहाल हम चलते हैं, क्योंकि अभी 3 बज चुके हैं और मुझे लग रहा है 6 बज जाएंगे आते आते। तो चलिए चलते हैं। और हमने फिर से ले लिया है बर्गर। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि बिना कुछ खाए हमारी जर्नी स्टार्ट नहीं होती है, पहले कुछ खाते हैं उसके बाद आगे का काम करते हैं। तो चलिए अब आगे चलते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं मेट्रो, तो गाड़ी पार्क करते हैं और अंदर चलते हैं। सो अभी मैंने ट्रॉली ले ली है, और चलिए अब सामान ले लेते हैं। और पिछली बार, मतलब जब हम लास्ट टाइम आए थे, तो हमारे साथ एक बहुत फ़नी चीज़ हुई थी, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो जब हम लास्ट टाइम आए थे, तब हमने सामान सारा ले लिया था, और जब बिल करवाते हैं बिल काउंटर पे, तो उन्होंने जब मुझे बिल दिया तो उसमें 9,000 समथिंग कुछ था। तो फिर मैं इधर उधर देख रही थी कि किसका है, मुझे लगा मतलब मेरा नहीं, मुझे लग रहा नहीं था कि मैं इतना ख़रीद लूँगी। फिर बोला मैम आपका ही है, मैं बोल मेरा, फिर मेरे को इतनी तेज हंसी आई वहाँ पे। सो देखते हैं इस बार कितने रुपए का फटका लग जाएगा, इस बार थोड़ा सोच समझ के ही मैं लूँगी। और अभी सामान ले लेते हैं, क्योंकि सामान देखने में ढूंढने में भी काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो ये हैं मेरे फेवरेट आइटम्स जो फ्राई करने वाले होते हैं स्नैक्स, वो तो यहाँ पे आके मैं अपने आप को काफ़ी कंट्रोल करती हूँ, क्योंकि थोड़े अनहेल्दी ये होते हैं। और इन दिनों वैसे भी मैंने थोड़ा बहुत वेट गेन कर लिया है, जो कि मुझे जल्दी ही वेट लॉस करना है।
तो इसलिए मैं यहाँ पे आके काफ़ी कंट्रोल करती हूँ, क्योंकि मैं ना लूँ, क्योंकि मैं लूँगी तो मैं खाऊंगी, तो आज भी मैं नहीं ले रही हूँ। हमारी शॉपिंग जो है वो हो गई है और ये सारा सामान हमने लिया है, तो अभी बिल करवा लेते हैं, देखते हैं इस बार जो मैं बजट लेके आई थी उसमें मैंने शॉपिंग करी है या इस बार भी ज़्यादा हुआ है। तो चलिए अभी इसका बिल करवा लेते हैं। तो बिल मैंने करवा लिया है और इस बार जो मैं बजट सोच के आई थी उतना ही लिया है, थोड़ा सा ऊपर हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ। एंड अभी जो ये सामान हमने लिया है उनको इस तरीके के बॉक्स में यहाँ पे पैक करके मिलता है, मतलब खुद ही बॉक्स बनाना पड़ता है और खुद ही उसमें सामान एडजस्ट करना पड़ता है, तो वही हम लोग अभी कर रहे हैं। तो ये देखिए हमारा सामान इन दो बॉक्स में हमने पैक कर लिया है, तो अब घर के लिए चलते हैं। सो अभी बज चुके हैं 8:30 और इन्हें अभी हेयर कट भी करवाना है, तो आज हमें घर पहुंचते पहुंचते 9 बज जाएंगे। एंड मैंने घर पे आके फटाफट से नमकीन दलिया भी बना लिया है, क्योंकि दिन में बर्गर काफ़ी हैवी हो गया था तो कुछ लाइट ही हमें खाना था, तो इसलिए फिर मैंने ये नमकीन दलिया बनाया है। एंड साइड में मैंने ये सैलेड भी कट करके रख दिया है। सो गाइज, डिनर वगैरह हमारा हो गया, मैंने तो किया भी नहीं क्योंकि बर्गर ही काफ़ी हैवी हो गया था, तो मैं अभी खा रही हूँ फलूदा। और आज के इस वीडियो को यहीं पे एंड कर लेते हैं। आके मैंने ऑयलिंग भी कर ली है क्योंकि सर दर्द हो रहा है, मेरे साथ यही दिक्कत है, जैसे ही बाहर जाती हूँ सर दर्द शुरू हो जाता है। सो आज के इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं। आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जल्दी मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।